अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेश लग रहे हैं जी। नहा धो के क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया जी? आपने सूरह आला की आयत अच्छे से पहली दो आयतें याद करी हैं जी। तो कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएंगे जी, सुनाइए जी। शाबाश, वेरी गुड। तर्जुमा भी आपने याद किया, ठीक है। आपने, ठीक है। तो आइए एक दफ़ा सूरह आला की पहली दो आयत दोहराते हैं, फिर आज का काम यानी सूरह आला की तीसरी आयत पढ़ेंगे, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलका फसव्वा। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलका फसव्वा। मीनिंग देखते हैं जी। तमाम तारीफें और तस्बीह उस ज़ात के लिए जिसने हमें पैदा किया और हमें शक्ल अता की, ठीक है। हमने दोनों आयतों का तर्जुमा देखा। आइए आज का काम जो कि हमारे सफ़ा नंबर 14 पे है जी। अपने बुक्स निकालिए जी। ये देखिए, यहाँ पर भी है हमारे पास सफ़ा नंबर 14। इसमें है सूरह आला की तीसरी आयत, आइए उसको पढ़ते हैं। ये है वल्लज़ी, वल्लज़ी पढ़िए, वल्लज़ी कादरा, कादरा पढ़िए, कादरा फहदा, फहदा पढ़िए, फहदा। हमने पढ़ा वल्लज़ी कादरा फहदा, पढ़िए मेरे साथ वल्लज़ी कादरा फहदा। इस आयत में भी तीन अल्फाज हैं, आइए उनके मायने जानते हैं। ये है पहला लफ्ज वल्लज़ी, वल्लज़ी जिसके मायने हैं और वो, जिसने, और वो जिसने। ये है कादरा, कादरा जिसके मायने हैं सही मिकदार, सही मिकदार जी, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट, सही मिकदार, ठीक है। हमने जाना कि कदरा के मायने हैं सही मिकदार। ये है वर्ड फहादा, फहादा ये है इसके मीनिंग फिर राह दिखाई, फिर राह दिखाई। हमने अपनी आयत पढ़ी जो कि हमारे सूरह आला की तीसरी आयत है, वल्लज़ी कदरा फहदा, इसके मायने हैं और वो जिसने सही मिकदार में राह दिखाई, ठीक है। आपने ये तीनों अल्फाज यानी सूरह आला की तीसरी आयत याद करनी है, ठीक है, और उसके मीनिंग भी याद करने हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या काम है। ये देखिए, अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई खुसूसियत, कोई ना कोई ख़ासियत के साथ पैदा किया है,
इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में और हत्ता के पानी में रहने वाले जानवरों में भी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी, खसूसियत, कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक या कोई उनकी अहम चीज़ ऐसी होती है जो कि उनको ताकत देती है, उनको पावरफुल बनाती है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं। अल्लाह ने हर किसी को मुख्तलिफ इकसाम की ताकत अता फरमाई। कुत्ते को सूंघने की ताकत दी, यानी जो कुत्ते हैं उनको ऐसी ताकत मिल है जो कि वो दूर से किसी चीज़ की खुशबू सूंघ लेते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना जी, नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है कि हंटेड डॉग्स होते हैं जिनको किसी भी चीज़ को ढूंढने के काम में लगा दिया जाए तो वो उस चीज़ को ढूंढते हैं। फिल्म्स में भी देखा है कि जैसे किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी कोई शर्ट, कोई इसका जिस्म का कपड़ा उस डॉगी को सुंघा दिया और फिर वो डॉगी उस बंदे को कहीं ना कहीं तलाश कर ही लेता है ना, ऐसा ही होता है ना जी। तो ये खसूसियत उसकी सूंघने की ताकत की वजह से होती है। ठीक है, ये है चीते को तेज़ दौड़ने की ताकत दी। चीते को तेज़ दौड़ने की ताकत दी जी, जी हाँ, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। ये भी आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा था। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये बताइए कि इंसान को कौन सी ताकत दी है, सोचिए सोचिए जी। इंसान को सोचने की ताकत दी, जो आप कर रहे हैं अपनी सोचने की ताकत को यूज़ करते हैं ना जी, तो आप अपने सोचने की ताकत को अच्छी जगह यूज़ करेंगे, अच्छी क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे कि हमने अपने दिमाग को एक सीधी, सच्ची और अच्छी राह पे लगाना है। ठीक है, और ये हमारे पास चौथा पॉइंट है, इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से सोच सकता है। इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से सोच सकता है जी हाँ, इंसान को अगर आप एक ही वक्त में कहें कि ये भी सोचना है और ये भी सोचना है, यानी साइंस के तौर पर मैथमेटिकल भी सोच सकता है जी, और आर्ट के तौर पर भी सोच सकता है और किसी क्रिएटिविटी की तौर पर भी सोच सकता है। ठीक है ना, इंसान का दिमाग मुख्तलिफ थिंकिंग्स रख सकता है और वो थिंकिंग्स जो हैं वो हमारे ब्रेन की वजह से, सोचने की पावर की वजह से होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिसमें लिखा है अल्फाज के मायने लिखिए, अल्फाज के मायने लिखिए। मायने आपने यहाँ पर लिखने हैं, अल्फाज में पढ़ रही हूँ और ये मायने आपके इन तीनों आयतें जो कि हम पढ़ चुके हैं उन्हीं के मुतालिक हैं। ठीक है, आपने आज का ये काम है, आपका टास्क है कि आपने इनके मायने इनके आगे लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है। अल्फाज पढ़ते हैं, पहला अल्फाज है अल्लज़ी, अल्लज़ी। दूसरा है कादरा, कादरा। ये है रब्बी, रब्बी। यहाँ है फसव्वा, फसव्वा। अल आला, अल आला। ये है फहादा, फहादा। और ये लास्ट वन है खालका, खालका जी। तो आपने इन अल्फाज के मायने खुद से लिखने हैं जी, आपने याद किए हैं, अब आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी, आप इसका स्नैपशॉट लेकर टीचर को भेजेंगे और अच्छे तरीके से अपनी तीनों आयतें सूरह आला की याद करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।